नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नेताजी हाजिर हो के इस विशेष एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खरगोन मेडिकल कॉलेज का सच, और हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित हैं पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश नीमा, पूर्व पार्षद अल्ताफ आज़ाद और वरिष्ठ पत्रकार उमेश रेवलिया। उमेश जी, अभी ये जो चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं राजनीति के पाले में ये गेंद जाती है कि मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति है, स्थापना है, बजट है, ये सारी चीज़ें मेडिकल पाले में ही जाती है और जनप्रतिनिधि ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर वही कोशिश करें तो ये सारी चीज़ें होगी। हाँ, जनता का प्रेशर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक जन आंदोलन नहीं उठेगा तब तक प्रतिनिधि उस जोर से, उस पुरजोर तरीके से मांग को ऊपर नहीं उठा पाएगा जो उठाना चाहिए। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि खरगोन जिला और बड़वानी जिला एक संसदीय क्षेत्र है और केंद्र ने संसदीय क्षेत्र का उल्लेख किया है मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति को लेके। खरगोन जिले में अभी कोई भी ऐसा, वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है। 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। बड़वानी जिले में भाजपा के एक राज्यसभा सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस स्थिति में क्या खरगोन जिले में ये कॉलेज खुल पाएगा? क्योंकि जो पावर जनरेट हो रहा है, पूरा पावर जो है इस समय बड़वानी जिले में भाजपा का, और वहाँ स्थानीय प्रतिनिधि होने के कारण वो शायद, मैं समझता हूँ, अब वो क्या सोच रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो क्यों कर खरगोन में इसको शिफ्ट करेंगे? देखिए अनिल जी, ये बात सही है कि ज़िले में 6 विधानसभाओं में विधायक कांग्रेस के हैं। कुल मिलाकर सिर्फ संसदीय क्षेत्र में गजेंद्र पटेल हैं जो भाजपा से हैं, और ये मेडिकल कॉलेज जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि लोकसभा के लिए ही स्वीकृत है, जैसा मोदी जी ने कहा था। तो ये सही है कि यहाँ जो भाजपा की राजनीति है वो इतनी सशक्त नहीं है जितनी होना चाहिए, क्योंकि खरगोन फाइनेंशियल दृष्टि से बड़वानी से काफ़ी स्ट्रांग है। जब रेलवे लाइन स्वीकृत हुई थी, मुझे जब तक मैं छोटा हूँ, शायद डॉक्टर साहब को याद होगा, उस समय भी खरगोन की स्थिति बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छी थी खंडवा के बनिस्बत। फिर भी यहाँ कोई इस तरह का नेता हुआ नहीं जो रेल लाइन का सर्वे तक करा सके। इसमें बुरी तरह से जनप्रतिनिधि ही विफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खामी, अभी कमी है कि बड़वानी में राज्यसभा सांसद भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, वहाँ मंत्री जी भी हैं, और मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि गजेंद्र पटेल जी ने तो अपनी बात रखी, चूँकि सोशल मीडिया पर वो एक तरह से ट्रोल हो रहे थे, लेकिन ना तो सुमेर सिंह जी ने, जबकि वो राज्यसभा सांसद हैं और वो खरगोन, बड़वानी नहीं, खरगोन के भी हैं, तो उन्होंने इस संबंध में एक भी लाइन, एक भी शब्द नहीं कहा, जबकि बड़वानी में अभी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है ही नहीं। ना ही मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी ने कोई अपनी बात रखी कि खरगोन में खुलना चाहिए या खरगोन में खुलना था ये मेडिकल कॉलेज, वो इतना तो कह सकते थे। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो बड़वानी के ही मंत्री हैं, या सुमेर सिंह जी सिर्फ संसदीय क्षेत्र बड़वानी के ही हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, तो मैं आपको रोकना चाहूँगा अभी इसी को लेकर के। नेताजी हाजिर हो में जब चर्चा की गई थी तो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत डंडीर जी ने यह कहा था कि, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ भाजपा की तरफ से, कि खरगोन जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उन्होंने ये साफ किया था। जी बताएं। ये तो सच है, ठीक है, ये सांसद जी ने भी कहा है कि पहले खरगोन में खुलेगा, खरगोन जिला मुख्यालय पर खुलेगा, ये बात सांसद जी ने भी नहीं कही है। और रही बात हमारे स्थानीय विधायक जो हैं, उन्होंने भी, उनकी कुछ मजबूरियां होगी शायद, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा। 2 बार उन्होंने पत्र जारी किए, 1 बार उन्होंने वीडियो जारी किया जब ये मामला उठा था, तब भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये मामला अगर
कोरोना संक्रमण काल नहीं होता और फिर उठता तो मुझे लगता कि खरगोन के बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाते और राजनेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाता। चूँकि अभी संक्रमण काल चल रहा है, 4-5 से ज़्यादा लोग बाहर नहीं आ सकते। लेकिन रेवल्या जी, एक स्थिति ये भी है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें जो बातचीतें चल रही हैं, परिचर्चाएं चल रही हैं, उनको देखकर कि ये नहीं लग रहा है कि अभी तक तो लोग इस सेटअप को समझ ही नहीं पाए हैं और कोई आगे ऐसा व्यक्ति आया नहीं है कि इस जन आंदोलन की अगुवाई कर सके। इस स्थिति में एकजुट होकर के एक समान विचार वाली मांग को उठाना, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये बात सही है। एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी कोरोना काल में एक बात आई, हमारे यहाँ 200 से 250 रोज़ाना कोरोना संक्रमित आए और खंडवा में करीब 22 या 23 आ रहे थे। हुआ ये कि मेडिकल कॉलेज जब खंडवा में है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो वहाँ बॉक्स के बॉक्स पहुँच रहे थे, और जबकि हमारे यहाँ उनसे 10 गुना ज़्यादा संख्या होने के बावजूद हमारे यहाँ केवल 60 या 65 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही पहुँच रहे थे। तो मैं लोगों को, जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से आज हमें इतने कम रेमडेसिविर इंजेक्शन पर डे इसीलिए कम मिले क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ मुख्यालय पर होता तो निश्चित रूप से हमें ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होती, ना पेराफेरिविर जो टैबलेट है उसकी कमी होती, और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होती। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय पर होता है तो उससे कितने लाभ हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को पुरजोर तरीके से बाहर आना पड़ेगा। लोगों को भी इस चीज़ का विरोध, सिर्फ ये सोचें हम कि सोशल मीडिया पर अगर हम विरोध करते हैं, ट्विटर हैंडल पर करते हैं, FB पर करते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। हमें कई पत्राचार भी करना पड़ेगा, हमें दिल्ली तक भोपाल तक लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी और उसमें आम नागरिक को बाहर आना पड़ेगा तभी हम इससे। अच्छा, दूसरा ये है कि जिला मुख्यालय पर डॉक्टर ने जैसा कहा था कि ना तो यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, ना नेशनल हाईवे खरगोन में है, ना ही एक कृषि एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो भी आदरणीय सुभाष यादव जी के प्रयासों से वो जिला मुख्यालय की बजाय वो भी कसरावद में चला गया। तो राजनेताओं को क्षेत्रीय राजनीति से बाहर आना पड़ेगा और मजबूती से अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने पड़ेगी, तभी खरगोन का कुछ हो सकता है। अन्यथा यहाँ रोजगार के मामले में अभी ये स्थिति है कि कई लोग सूरत और महाराष्ट्र जाते हैं, उनका प्लान होता है। अभी भी आप अगर दो बसें जा रही हैं, मैं रोज़ देखता हूँ सनावत रोड पर और अपने खंडवा रोड पर खड़ी होती हैं, उसमें 50-80% मजदूर सूरत जाते हैं और आते हैं। आपने जैसे बताया कि रोज़गार और अन्य क्षेत्र, अन्य चीज़ों को लेकर भी मेडिकल कॉलेज के आने से क्षेत्र को सुविधाएँ मिलेगी। अल्ताफ जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मांग को लेकर के नेता जनता के व्यक्ति नहीं बन सकते, वो जनता के बीच से ही आते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जन भावना को समझने में या भूल कर जाते हैं। इस समय जो जन भावना मेडिकल कॉलेज को लेकर के बन रही है वो इतनी विकट बन रही है कि जन प्रतिनिधियों को आगे चल के इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो क्या इस समय वो शहर की जनता, जिले का फायदा, ये सब देख करके एकजुट होकर के इस मांग को ऊपर जो प्रदेश स्तर पर केंद्र स्तर पर नहीं उठा सकते? सबसे पहले तो पांडे जी, आप, वारिस भाई और आपका चैनल बधाई का पात्र है कि आपने जो निमाड़ और खरगोन मुख्यालय के लोगों की जन भावना को समझते हुए एक प्रोग्राम तैयार किया जिसमें हमें भी जगह दी और आने वाले समय में और लोगों को, ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में आप मील का पत्थर साबित होंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कहा जनप्रतिनिधि या ये, अगर जिस जनप्रतिनिधि की कटनी और करनी में अंतर रहा मेडिकल कॉलेज में, उसको खरगोन जिला मुख्यालय की जनता और जिले की जनता उस जनप्रतिनिधि को अच्छे से सबक सिखाएगी। हाँ, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, उसको अच्छे से सबक सिखाएगी। रही बात आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज के लिए जन आंदोलन
जिस ढंग से आज कोविड के गाइडलाइन के हिसाब से वो आंदोलन अपनी उस लय में नहीं आ पा रहा है, बाकी कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए आज जनप्रतिनिधि भी थोड़े से जागे हैं, उस पर जवाब दे रहे हैं, जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी चिंता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव वे की ओर जा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं हो कि हम जब फाइनल स्टेज तक जाते जाते दम फूल जाए, और हमको इसको अगर इसके लिए भोपाल और दिल्ली के लिए भी प्लानिंग करना पड़ी तो हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिला मुख्यालय से, मायने ये नहीं कि जिला मुख्यालय हमारे पूरे निमाड़ बेल्ट के अपना ट्राइबल बेल्ट के फायदे के लिए हम ये पूरी मांग करेंगे। और इस मिशन में कामयाब होने के बाद मेरा अगला मिशन एक और है कि क्यों नहीं निमाड़ संभाग के लिए जिला मुख्यालय खरगोन को निमाड़ संभाग बनाया जाए, जिसमें चार जिले खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी जिले का प्रतिनिधित्व खरगोन करे, जो हमारा DIG साहब जैसे निमाड़ रेंज है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा, जिसको हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा या हम देख रहे हैं, और हमारी आने मेडिकल कॉलेज और निमाड़ संभाग एक खरगोन जिला मुख्यालय के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि दलगत राजनीति से ऊपर ही उठे आज दोनों पार्टी के सेकंड रो के जितने भी लोग हैं वो सब मेडिकल कॉलेज के मामले पर एक प्लेटफॉर्म पे हैं। इतनी जल्दी आप ये देखेंगे कि सांसद महोदय या विधायक महोदय किसी मुद्दे पे केवल सोशल मीडिया के कारण वो लेटर या अपनी जवाबदेही तय नहीं करते, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्हीं के कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं। आपने जैसे अभी बताया कि कल वाली उसमें डिबेट में हमारे आदरणीय रंजीत भाई ने भी बोला है कि मैं खरगोन जिला मुख्यालय के हक में, विधायक महोदय कह रहे हैं, सांसद महोदय कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये माने कि सोशल मीडिया में भी, लेकिन अभी एक जो एक पसोपेश बना हुआ है आम जनता के सामने, आज भी वही स्थिति हम सोशल मीडिया के कमेंट्स देखते हैं या लोगों से हम इस संबंध में चर्चा करते हैं, तो आज भी जैसे सांसद जी का बताया गया कि वो जिले का उल्लेख करते हैं, जिला मुख्यालय का उल्लेख नहीं करते हैं, विधायक महोदय का भी आपने बताया कि उन्होंने दो पत्र जारी करते हैं, लेकिन वो जोर शोर से इस मुद्दे को जनप्रतिनिधि उठा नहीं रहे हैं, जनता के सामने एक सकारात्मक और एक एक राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इससे जो आम जनता है उसमें एक एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, अंदर ही अंदर एक एक, एक गुस्सा सा है। तो क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए कि वो एक मंच पे खड़े होकर इस चीज़ को लेकर के कोई जवाब दें? असल में मुझे जो लग रहा है अनिल जी कि इसमें कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन सबके, हम लोगों के भी, जनप्रतिनिधियों के भी, अधिकारियों के भी आड़े आ रही है। उसके पीछे रीजन ये देखेंगे कि आज भोपाल में वो अधिकारी या वो मंत्रिमंडल नहीं, मेरा ये कहना है कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, ये सभी एक मंच पे आकर के एक वक्तव्य जारी कर दें, उसमें कोरोना गाइडलाइन कहाँ आड़े आ रही है? ठीक है, हम अगर कि हम इस सभी मुद्दे पर उमेश जी, मैं डॉक्टर मनोज भाई वगैरह सबसे चर्चा करके एक बार उनको एक सामूहिक मंच पर ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, नगर इसको लेकर के एक संघर्ष समिति की भी बात चल रही थी खरगोन मेडिकल कॉलेज को लेकर के, करीब दो महीने पहले महेश्वर में भी एक संघर्ष समिति बनाई गई स्थानीय स्तर पे, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान नहीं था मेडिकल कॉलेज का, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई मेडिकल कॉलेज के लिए, बजट स्वीकृत करा के उसको मंडलेश्वर में लाने के लिए। कहीं ना कहीं आज इस मुद्दे को लेकर जिले में आपसी लोगों के बीच में भी एक विरोध उत्पन्न हो रहा है परस्पर, क्यों ना हम वहाँ मंडलेश्वर महेश्वर के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के विधायक हैं, उनसे चर्चा करके इस चीज़ को सॉल्व करें कि भाई खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलने से फ़ायदा क्या है, और मंडलेश्वर में न खुलने से कोई नुकसान नहीं है, या वहाँ खुलने से क्या कमियाँ आ सकती हैं। इससे जिले में जो परस्पर विरोध पैदा हो रहा है आम जनता के बीच वो नहीं हो पाएगा और सारे जनप्रतिनिधि एक हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और एक मेडिकल कॉलेज के सेटअप को लेके एक सामान्य सी बात है कि भाई मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, एक बड़ा सेटअप डल जाएगा, लेकिन एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर छुपी हुई अच्छाइयाँ क्या है जो इस पूरे ज़िले का वो लाभ देंगे? देखिए, ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज को स्ट्रक्चर नहीं, ये एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे आम आदमी की सेवा होगी, और वो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके साथ में रिसर्च वर्क भी होता है,
और हमारे यहाँ पे ज़िले में रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ती। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी अपने आप आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी डॉक्टर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी हमारे पास नहीं। तो सुपर स्पेशलिस्ट के सेवा के लिए हमारी आदिवासी जनता को या गरीब जनता को अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता। आज हम खरगोन में देखें तो डायलिसिस के हमारे पास सुविधा नहीं है, हम कोई ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सब विकास कब होगा? यदि आज हमने संघर्ष नहीं किया तो आप 50 साल बाद भी कुछ नहीं ला पाएंगे। हम देख रहे हैं मंडलेश्वर की बात करें, यदि आपने कहा कि माननीय मैडम साधो जी हैं वहाँ पे डॉक्टर हैं, उनको भी समझना चाहिए कि खरगोन मुख्यालय क्यों महत्वपूर्ण है। आप यदि अलग ज़िले की बात करें तो फिर मैं बोलूँ मैं असमर्थ हूँ कि महेश्वर अलग ज़िला बन जाए तो फिर तो बात अलग ही हो गई। पर यदि हम एक ज़िले की बात करें और एक जुटता की बात करें तो हमारे सांसद महोदय केवल बड़वानी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, सुमेर सिंह जी केवल बड़वानी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, वो खरगोन का भी करते हैं, महेश्वर का भी करते हैं, बड़वानी का भी करते हैं। तो उनको सबको मिल के ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं इसको लिए बोलने का ज़्यादा अधिकार नहीं, कि जनता जितनी विस्तार से क्षेत्र में है उनके लिए सेंट्रल पॉइंट क्या है, उनका महत्व कहाँ होगा और अभी तक खरगोन को राजनेताओं ने क्या दिया। खरगोन बिल्कुल एक प्रकार से मुझे तो ये लगा कि निग्लेक्टेड रहा है। क्या खरगोन की इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें निग्लेक्ट करना उचित है? क्या खरगोन का कभी विकास ही नहीं होगा? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हमें विकास के दिशा में सोचना आवश्यक है। विशेषज्ञ की बात करें, आप डॉक्टर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ के डॉक्टर्स अपने रिसर्च पब्लिकेशन करें या कुछ करें, देश विदेश में नाम कमाएं, तो ये तब तक संभव नहीं जब तक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं हो। हमारे यहाँ के जो अच्छे नौजवान हैं पढ़ लिख के और कहीं पे जा रहे हैं। मेरा बेटा किडनी का डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पर वो इंदौर में है, क्यों नहीं यहाँ आना चाहता? क्योंकि यहाँ पे आधुनिकतम जो उपकरण है वो नहीं, कैसे काम करें? हर आदमी अपना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि नर्सिंग होम खोल ले यहाँ पे पड़ा। यदि शायद मेडिकल कॉलेज होता तो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं यहाँ होते। तो रोजगार की बात कर, आज आपने यदि पेपर पढ़ा हो, इंदौर कमिश्नर ने 220 नर्स सैंक्शन की जी, उसमें से 50 नर्स खंडवा गई। क्यों की खंडवा? मेडिकल कॉलेज। हमारे जिले को क्या मिला? हो सकता है उसमें से 10-20 मिली हो। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। मेल नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज में मेल नर्सिंग सेंक्शन है, पर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है उसमें नहीं है सेंक्शन। हमारे मेल नर्स जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेस में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो बाहर जा रहा है। उसमें डिबेट में हमारे आदरणीय रंजीत भाई ने भी बोला है कि मैं खरगोन जिला मुख्यालय के हक में, विधायक महोदय कह रहे हैं, सांसद महोदय कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये माने कि सोशल मीडिया में भी। लेकिन अभी एक जो एक पसो पेश बना हुआ है आम जनता के सामने, आज भी वही स्थिति, हम सोशल मीडिया के कमेंट्स देखते हैं या लोगों से हम इस संबंध में चर्चा करते हैं तो आज भी जैसे सांसद जी का बताया गया कि वो जिले का उल्लेख करते हैं, जिला मुख्यालय का उल्लेख नहीं करते हैं। विधायक महोदय का भी आपने बताया कि उन्होंने 2 पत्र जारी करते हैं, लेकिन वो जोर शोर से इस मुद्दे को जनप्रतिनिधि उठा नहीं रहे हैं, जनता के सामने एक सकारात्मक और एक राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इससे जो आम जनता है उसमें एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, अंदर ही अंदर एक गुस्सा सा है। तो क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए कि वो एक मंच पे खड़े होकर इस चीज़ को लेकर के कोई जवाब दें? असल में मुझे जो लग रहा है अनिल जी, कि इसमें कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन सबके, हम लोगों के भी, जनप्रतिनिधियों के भी, अधिकारियों के भी आड़े आ रही है। उसके पीछे रीजन ये देखेंगे कि आज भोपाल में वो अधिकारी या वो मंत्रिमंडल नहीं, मेरा ये कहना है कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, ये सभी एक मंच पे आकर के एक वक्तव्य जारी कर दें, उसमें कोरोना गाइडलाइन कहाँ आड़े आ रही है? ठीक है, हम अगर कि हम इस मुद्दे पर हम सभी राजनीतिक दल है, मैं डॉक्टर मनोज भाई वगैरह सबसे चर्चा करके एक बार उनको एक सामूहिक मंच पर ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, नगर
इसको लेकर के एक संघर्ष समिति की भी बात चली थी खरगोन मेडिकल कॉलेज को लेकर के। करीब 2 महीने पहले महेश्वर में भी एक संघर्ष समिति बनाई गई स्थानीय स्तर पे, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान नहीं था मेडिकल कॉलेज का, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई मेडिकल कॉलेज के लिए, बजट स्वीकृत करा के उसको मंडलेश्वर में लाने के लिए। कहीं ना कहीं आज इस मुद्दे को लेकर जिले में आपसी लोगों के बीच में भी एक विरोध उत्पन्न हो रहा है परस्पर। क्यों ना हम वहाँ मंडलेश्वर महेश्वर के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के विधायक हैं, उनसे चर्चा करके इस चीज़ को सॉल्व करें कि भाई खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलने से फ़ायदा क्या है और मंडलेश्वर में न खुलने से कोई नुकसान नहीं है या वहाँ खुलने से क्या कमियाँ आ सकती हैं। इससे जिले में जो परस्पर विरोध पैदा हो रहा है आम जनता के बीच वो नहीं हो पाएगा और सारे जनप्रतिनिधि एक हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और एक मेडिकल कॉलेज के सेटअप को लेके एक सामान्य सी बात है कि भाई मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, एक बड़ा सेटअप डल जाएगा, लेकिन एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर छुपी हुई अच्छाइयाँ क्या है जो इस पूरे ज़िले का वो लाभ देंगी? देखिए, ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज कोई स्ट्रक्चर नहीं, ये एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे आम आदमी की सेवा होगी और वो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके साथ में रिसर्च वर्क भी होता है और हमारे यहाँ पे ज़िले में रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ती है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी अपने आप आएंगे क्योंकि अभी हमारे पास जो भी डॉक्टर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी हमारे पास नहीं। तो सुपर स्पेशलिस्ट की सेवा के लिए हमारी आदिवासी जनता को या गरीब जनता को अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता है। आज हम खरगोन में देखें तो डायलिसिस की हमारे पास सुविधा नहीं है, हम कोई ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सब विकास कब होगा? यदि आज हमने संघर्ष नहीं किया तो आप 50 साल बाद भी कुछ नहीं ला पाएंगे। हम देख रहे हैं मंडलेश्वर की बात करें, यदि आपने कहा कि माननीय मैडम साधो जी हैं वहाँ पर डॉक्टर हैं, उनको भी समझना चाहिए कि खरगोन मुख्यालय क्यों महत्वपूर्ण है। आप यदि अलग ज़िले की बात कर रहे हैं तो फिर मैं असमर्थ हूँ कि महेश्वर अलग ज़िला बन जाए, तो फिर तो बात अलग ही हो गई। पर यदि हम एक ज़िले की बात करें और एक जुटता की बात करें तो हमारे सांसद महोदय केवल बड़वानी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, सुमेर सिंह जी केवल बड़वानी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, वो खरगोन का भी करते हैं, महेश्वर का भी करते हैं, बड़वानी का भी करते हैं। तो उनको सबको मिल के ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं इसको लिए बोलने का ज़्यादा अधिकार नहीं, कि जनता जितनी विस्तार से क्षेत्र में है उनके लिए सेंट्रल पॉइंट क्या है, उनका महत्व कहाँ होगा और अभी तक खरगोन को राजनेताओं ने क्या दिया। खरगोन बिल्कुल एक प्रकार से मुझे तो ये लगा कि निग्लेक्टेड रहा है। क्या खरगोन की इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें निग्लेक्ट करना उचित है? क्या खरगोन का कभी विकास ही नहीं होगा? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हमें विकास के दिशा में सोचना आवश्यक है। विशेषज्ञ की बात करें, आप जो डॉक्टर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ के डॉक्टर्स अपने रिसर्च पब्लिकेशन करें या कुछ करें, देश विदेश में नाम कमाएं, तो ये तब तक संभव नहीं जब तक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं हो। हमारे यहाँ के जो अच्छे नौजवान हैं पढ़ लिख के और कहीं पे जा रहे हैं। मेरा बेटा किडनी का डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, पर वो इंदौर में है, क्यों नहीं यहाँ आना चाहता? क्योंकि यहाँ पर आधुनिकतम जो उपकरण है वो नहीं, कैसे काम करें? हर आदमी अपना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि नर्सिंग होम खोल ले यहाँ पे पड़ा। यदि शायद मेडिकल कॉलेज होता तो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं यहाँ होते। तो रोजगार की बात कर, आज आपने यदि पेपर पढ़ा हो, इंदौर कमिश्नर ने 220 नर्स सैंक्शन की जी, उसमें से 50 नर्स खंडवा गई। क्योंकि खंडवा मेडिकल कॉलेज, हमारे जिले को क्या मिला? हो सकता है उसमें से 10-20 मिली हो। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। मेल नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज में मेल नर्सिंग सैंक्शन है पर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है उसमें नहीं है सैंक्शन। हमारे मेल नर्स जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेस में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिनमें बहुत कम सैलरी मिल रही है। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए भी जरूरी है। साथ ही यहाँ पर इस क्षेत्र में जो ऐसी बीमारियाँ हैं जो अन्य आदिवासी ट्राइबल बेल्ट में नहीं है, हमारे सिकल सेल है या थैलेसीमिया है या दूसरी चीज़ें हैं जिस पे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं तो सभी से कहूँगा कि आपको ये प्रयास करना होगा कि मेडिकल कॉलेज खरगोन में हो, खरगोन की एक आइडेंटिटी होगी। मंडलेश्वर की यदि आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा डीजे वहाँ पर है, खरगोन में तो वो भी नहीं है। मतलब खरगोन को शुरू से ही निगलेक्ट किया हुआ था। यदि जो एक जिला था तो पहले केवल कलेक्टर था हमारे पास में, एसपी थे, जिला चिकित्सालय बड़वानी में था, खरगोन में नहीं था। डीजे साहब मंडलेश्वर में था, खरगोन में, खरगोन की कोई आइडेंटिटी बनी नहीं पा रही है। अब जनता जागरूक हो और हमारे जनप्रतिनिधि उसमें काम करें तो ही खरगोन का कुछ नाम होगा। और उसमें मैं ये सोचता हूँ कि ये केवल बात खरगोन की नहीं, हमारे खरगोन के जनप्रतिनिधि भी उतने ही मजबूत होंगे ताकि उनकी आवाज़ दिल्ली और भोपाल में सुनी जाएगी यदि वो इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं तो। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। कुल मिला करके इसमें आम जनता, जनप्रतिनिधि, सत्ता से जुड़े हुए लोग सभी को एक होना पड़ेगा और एक राय बनाना पड़ेगी, तभी इस मेडिकल कॉलेज की खरगोन जिला मुख्यालय पर स्थापना हो सकती है, स्वीकृति हो सकती है। लेकिन इसके पीछे जो छुपी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधाभास, इन सब को भूलकर आगे आना होगा और जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को एक सकारात्मक जवाब देना होगा। मेडिकल कॉलेज जहाँ तक अभी हमने चर्चा की, इस चर्चा का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप मेडिकल कॉलेज का सच क्या है, मेडिकल कॉलेज क्या है और मेडिकल कॉलेज के इस क्षेत्र में खुलने में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उन दिक्कतों को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर के आम जनप्रतिनिधि, आम जनता के लोगों की या फिर आपकी जो राय है, आपका जो विचार है, वो यहाँ पर हम प्रतिनिधियों से उस संबंध में सवाल करके उनके विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही आपको उनसे रूबरू भी करवा रहे हैं। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल हम आज के कार्यक्रम में अपने मेहमानों से विदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं उनका। अगले कार्यक्रम में हम कुछ और प्रतिनिधियों का यहाँ आमंत्रित करेंगे जो आपको मेडिकल कॉलेज के सच से रूबरू करवाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।